Good morning students, welcome. Today we are going to start a new lesson, lesson number 4.4, story time. What do you see? Story time मतलब ये कहानी का वक्त है. तो अभी क्या हम देख रहे हैं इसके बारे में हमें इस लेसन में आपको बताया गया है. सी द पिक्चर हो गई है, कैन यू सी? यहाँ पे कुछ बच्चे खड़े हैं. And there is the guru या teacher of their students, okay? उनके teacher है. अभी ये कहानी हम लोग पढ़ते हैं. Listen, repeat and enact. This is the story from Mahabharat. Arjun, the prince, his brothers and cousins were being trained in the archery and warcraft by the great teacher Dronacharya. एक कहानी है महाभारत की. आप लोग ने सुना है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आपके पेरेंट्स को पता है महाभारत करके एक स्टोरी, दैट इज़ ए एपिक ऑफ आवर इंडियन कहानी. एक रामायण है, एक महाभारत है. महाभारत में 5 पांडवों की कहानी है. ओके, 5 पांडवर्स एंड फ्रॉम दैट इज अर्जुन. 5 बच्चे हैं, दैट इज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव. दिस आर द 5 पांडवर्स. उसमें से अभी अर्जुन के बारे में बता रहे. अर्जुन द प्रिंस एंड इज प्रिंस इज ब्रदर्स एंड कजिन्स वेयर बीन ट्रेन इन द आर्चरी एंड वॉर क्राफ्ट बाय द ग्रेट टीचर द्रोणाचार्य. अर्जुन और उसके ब्रदर्स से, उसके कजिन्स से, उनको कौन है सिखा रहे हैं, उनके टीचर कौन है? द्रोणाचार्य. दिस इज द्रोणाचार्य, ही इज गुड इन आर्चरी एंड ऑल. और वो बच्चों को उस वक्त शिक्षा देते थे किस तरह धनुष बाण चलाना है. एवरीथिंग इज टू टीच दम. लड़ाई के वक्त किस तरह लड़ना है, ये सब ज्ञान वो द्रोणाचार्य सिखाते थे. तो उनका गुरु है सर, टीचर यू कैन से, द्रोणाचार्य. वंस द्रोणाचार्य कॉल्ड ऑल स्टूडेंट्स. ही सेड, आई वुड लाइक टू सी हाउ यू आर प्रैक्टिसिंग योर आर्चरी स्किल्स. I will take a steps. तो what happened? One day द्रोणाचार्य told call all the students. द्रोणाचार्य ने अपने सारे students को बुलाया कि आज आप लोगों का टेस्ट होगा, मैं आपका टेस्ट लूँगा. I would like to see how you are practicing your archery skill. मुझे देखना है कि किस तरह आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, जो आर्चरी का है वो किस तरह आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मुझे वो देखना है. इसके लिए मुझे आप लोगों का टेस्ट लेना है. So Dronacharya called all the students together. So what he did? He called all his students. सब students को उन्होंने बुलाया अपने यहाँ ground में. He placed a wooden parrot on a branch of a tree. What did he do? उन्होंने एक लकड़ी से बना हुआ तोता, उन्होंने क्या किया, पेड़ के डाली पे लगा दिया, रख दिया वहाँ पे. He placed a wooden parrot on a branch of a tree. He said, now all of you get ready with your bow and arrow for the test. Look at the wooden bird on the branch of the tree. You have to hit exactly its eye. उन्होंने क्या किया, बच्चों को टेस्ट लेने के लिए क्या किया, उन्होंने एक लकड़ी का तोता लिया, वो जाके पेड़ के जो वहाँ पेड़ थे, पेड़ के ढाली पर रख दिया और उनसे क्या बोला, आप लोग रेडी हो जाओ. Get ready with your bows and arrow. सब लोग अपने बो और एरो के साथ से. दिस इज़ द हैरो, ये जो है दैट इज़ एरो एंड दिस इज़ कॉल्ड द बो. तो उनको सर क्या बोलते, उनके टीचर क्या बोलते, अपने बो और हैरो के साथ तैयार हो जाओ. लुक एट द वुडन बर्ड ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, यू हैव टू इट एग्जैक्टली इट्स आई. तो वो क्या बोलते, वहाँ पे मैंने पेड़ की डाली पर एक लकड़ी का तोता रखा है, उस पर ध्यान दो और उसके वो जो तोता रखा है उसके हाकों पर एकदम निशाना साधना है और आपको, और उसके हाक पे आपका एरो लगना चाहिए. तो उसकी तोता के हाक पे निशान साध के उसे आँख में ये करना है, एरो डालना है. ऑल द स्टूडेंट्स वेयर एक्साइटेड, दे स्टूड ऑन अ लाइन फॉर द टेस्ट. फर्स्ट केम बी, ही स्ट्रेच्ड हिज बो एंड सेट हिज एरो. As he was about to shoot the wooden bird's eye, Dronacharya said, wait Bhim, tell me, what do you see? तो अब सारे बच्चे हैं ना एक्साइटेड हो गए, हाँ आज हमारा टीचर हमारी टेस्ट
टेस्ट चेक करने वाले और वो बहुत ही एक्साइटेड थे उस टेस्ट के लिए, प्रिपरेशन के लिए। तो फर्स्ट कौन आ गया, फर्स्ट वो सब वहाँ ऐसे लाइन में आके तैयार हो गए खड़े रहने के लिए। तो फर्स्ट आए भीम सामने खड़ा हो गए, वो एरो लेते हुए वहाँ पे निशाना साधने लग गए। तभी उनको क्या, उनके टीचर उसको पूछते हैं, उनको रोकते हैं मारने से पहले, एरो थ्रो करने से पहले पूछते हैं, भीम तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, इट जस्ट आस्क द क्वेश्चन, व्हाट डू यू सी। भीम ने क्या रिप्लाई किया, गुरुजी आई सी द स्काई द क्लाउड्स एंड द सन। तो भीम ने रिप्लाई क्या दिया, गुरुजी मुझे आसमान दिखाई दे रहा है, आसमान में बादल है ये दिखाई दे रहा है, और सूरज है वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य सेड, भीम यू विल नॉट शूट द वुडन बर्ड राइट नाउ। द्रोणाचार्य क्या बोलते हैं, भीम तुम अभी निशाना नहीं लगाओगे उस लकड़ी के तोते पर। सी आई विल स्टॉप ओवर हियर बच्चों, मैं यहीं पे रुकती हूँ। बाकी का जो कहानी है द स्टोरी आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, इट इज़ अ बिग लेसन फॉर यू, तो आपको बताना पड़ेगा, तो इतने देर आप शायद बैठ नहीं पाओगे लेक्चर के सामने। तो अभी फिर से एक रिवाइज करती हूँ, ये कहानी है महाभारत की, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ महाभारत, वन ऑफ द एपिक ऑफ अवर कंट्री। ओके, ये है अर्जुन, अर्जुन एक महान ये बोलते हैं इज अ गुड इन बो एंड एरो, धनुषधारी है, बहुत ही बड़े धनुषधारी है, उनका काफ़ी नाम हो चुका, नाम है इसमें धनुषधारी में। तो वो अपने भाइयों के साथ एक दिन अपने इसमें, पहले के लोग क्या करते थे, शिक्षा हासिल करने के लिए उनके जो कोई भी गुरु देखते थे वहाँ पे जाके वो वहाँ पे शिक्षा लेते थे, फिर वो बाद में अपने महल में आते थे। तो जब वो वहाँ पे उनके कुटी थे, वहाँ पे जहाँ पे वो रहते थे वहाँ उन लोग शिक्षा ले रहे थे, ओके, अपने भाइयों के साथ और दूसरे कज़िन, उसके सगे भाई के साथ और कज़िन, दे वेयर फाइव ब्रदर्स, जैसे मैंने बताया युधिष्ठिर है, भीम है, अर्जुन है, नकुल एंड सेदी, ये लोग क्या है, पांच ब्रदर्स है, और उसके बाकी भी ब्रदर्स जो कजिन्स थे वो भी वहाँ पे शिक्षा लेते थे, और उनका टीचर का नाम है द्रोणाचार्य। और उन्होंने एक बार डिसाइड किया है, बच्चों को बुला के बोले कि आप लोगों का मैं टेस्ट लूँगा इस बार कि आप लोग किस तरह प्रैक्टिस कर रहे। और उन्होंने क्या किया, एक लकड़ी का तोता एक पेड़ के ऊपर रख दिया, पेड़ के टहनी पर, और बोले कि देखो यहाँ पे आपको उसके जो तोते वहाँ पे रखा है उसकी आँखों पे निशाना साधना है, और बराबर आप जो हैरो शूट करोगे वो बराबर उसकी आँखों में लगना चाहिए। दिस वॉज द असाइनमेंट, या ये उनका टेस्ट था। तो बाकी का जो बचा हुआ स्टोरी है आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।